छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने रविवार को जिला कलेक्ट्रेट को एक ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन को एक पत्र प्रेषित किया है। उन्होंने भीषण गर्मी को देखते हुए आंगनबाड़ी में आने वाले छोटे बच्चे के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आंगनबाड़ी में भी 2 महीने के ग्रीष्मकालीन अवकाश देने का इस ज्ञापन में निवेदन किया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि आंगनबाड़ी में आने वाली सभी बच्चों की उम्र 6 साल से कम होती है, ऐसे में छोटे बच्चों को घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। तापमान में लगातार वृद्धि होने से बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है, ऐसे में छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ग्रीष्मकालीन छुट्टी देनी चाहिए। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ और रायगढ़ जिले से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ की अध्यक्ष हूँ। आज आप यहाँ कलेक्टर परिसर पहुँचे हैं, क्या आवेदन रहा हुआ, क्या बताएंगे? हाँ, हम लोग यहाँ पर आवेदन देने आए हैं और शासन से मांग करना है कलेक्टर द्वारा कि जैसे सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में छुट्टी कर दिया गया है जून तक, 15 जून तक, और वहाँ सरकारी और गैर सरकारी स्कूल में बच्चे बड़े रहते हैं, क्योंकि हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चे छोटे रहते हैं, कम से कम उनकी आयु अधिक से अधिक, कम से कम से कम और अधिक से अधिक 3 से 6 वर्ष तक के रहते हैं, और जबकि स्कूलों में 5 साल से ऊपर वाले बच्चे रहते हैं, उनको छुट्टी कर दिया है शासन ने, राज्य सरकार ने प्लस यहाँ के शासन ने, तो हमारे आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को छुट्टी क्यों नहीं? भीषण गर्मी में हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं 3 साल 4 साल के बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों में बैठे रहते हैं, क्योंकि हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों में ना लाइट की सुविधा है, किराए के मकान होने के बावजूद हमारे यहाँ लाइट नहीं है, पंखा नहीं है, तो हमारे बच्चे कैसे बैठ रहे हैं? सरकार को भी सोचना चाहिए, राज्य सरकार को, कि इतने गर्मी में हम कैसे बैठे रहेंगे, हम बैठेंगे बच्चे लोग, हम कैसे बैठेंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायक का प्लस बच्चे? सरकारी इसको सरकार तो सरकारी स्कूलों के बच्चों को छुट्टी कर दिया, लेकिन आंगनबाड़ी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और वहाँ के बच्चे लोगों को छुट्टी नहीं किया है शासन से। हाँ, यहाँ छुट्टी रायगढ़ जिले में नहीं है, दुर्ग जिले में कलेक्टर साहब ने, उन्होंने मांग किया था वहाँ के कार्यकर्ताओं ने जाके, तो वहाँ के कलेक्टर साहब ने 8 से 11 समय की अवधि जो 8 से 12 है उसको 8 से 11 कर दिया गया है, आज के पेपर में कल के पेपर में भी आ चुके हैं, तो हम यहाँ के कलेक्टर से निवेदन कर रहे थे कि कम से कम समय को कम से कम कम कर दिया जाए, और जो हम लोग 6 दिन गर्म भोजन देते हैं बच्चों को, उसको 1 दिन हम लोग कच्चा राशन दे के कम से कम बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र में आने से वो रहें, कि बच्चे इतने गर्मी में लाइट नहीं रहती, पंखा नहीं रहती, इसलिए क्योंकि उनको भी गर्मी का एहसास होता होगा। कुछ कलेक्टर साहब तो पहले आश्चर्य हो गए कि आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्मी छुट्टी होती है क्या, तो हमने कहा कि गर्मी छुट्टी तो होती नहीं, लेकिन हम लोग की शुरुआत है, हम लोग शासन से मांग कर रहे हैं, और सर हमारा रिक्वेस्ट है कि आप शासन तक हमारा बात पहुँचाइए। दस्तक टीवी के लिए रायगढ़ से विजय कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट।